मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112-356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-209-1701 पर। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी? सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। चीटू की अम्मा ने खाना भेजा था गर्मा गर्म। अरे थैंक यू अंकल जी। चीटू के लिए? चीटू के लिए? हाँ, और काम बढ़िया कर रहा है ना मन लगा के। लो बताओ अंकल जी, ये तो वही बात हुई कि अपने मुंह के पान के बारे में अपने कोई नहीं पता कि चबाना बाकी है या थूक चुके हैं। मतलब चीटू जिस दिन ज्वाइन किए थे उसके दो दिन बाद छोड़ दिए थे। दो दिन बाद छोड़ दिए? हाँ, बैल साला का बोल के छोड़ा। बोले बकलोली किए थे। अबे जब भाग्य में कोई अच्छा लिखा हो तो दुर्भाग्य में क्यों जीना? महीने का हम 1-1.5 लाख कमा सकते, 15-20 हजार की नौकरी। फिर बोले, अरे ये लोग हमसे कराते हैं 35-40 हजार का काम और तनख्वाह देते हैं 15 हजार। अबे जब तुम एसी बनने की क्षमता रखते हो तो टेबल फैन बन के जिंदगी काहे खराब करना है? ब्लाउज बेचने का नहीं है, फैक्ट्री साड़ी की खोलेंगे। अरे कह नहीं सकते थे तुम कि बिना तजुर्बे बिजनेस नहीं होता, सिर्फ बकायदी होती है? देखो हमारा ना महीने का टारगेट है 3-4 ऑर्डर। भैया जी चावल कितना डालूं? अरे अरे एक टाइम पे आदमी कितना खाता है उस हिसाब से डाल दो, 250 लोगों का डाल दे छोटू 5 घंटे। 3-4 ऑर्डर आ गए ना महीने के, तो 1-1.5 लाख तो कहीं से नहीं है। मजा आ जाएगा भैया तब तो। हो गया भैया? हाँ जी हो गया। अच्छा चलो ला रही है सारा, ये लो और बाकी के 12 हजार कल देते हैं। ये आज ही दे देते। अरे आज आना सुपना रिमा, कल दे देंगे सारा। चल कुकू। भैया जी पिताजी का फोन आ रहा है, काट दो। ये नौकरी काहे छोड़ दियो? क्योंकि सर्कस का जो शेर होता है ना वो रिंग मास्टर के हिसाब से चल सकता है, पर जंगल का शेर अपने हिसाब से चलता है। अच्छा, और हमारी सक्सेस सुनकर आपको बदहज भी तो हो जाएगी, फिर भी बता दें केटरिंग का नया काम शुरू कर रहे हैं हम। अरे हराम खोर, इतने तो हम बचपन में तुम्हारे लंगोट नहीं बदले जितने तुम हर थोड़े दिन में काम बदल देते हो। बिना तजुर्बे फिर से कुएं में कूद रहे हो। नुकसान हुआ तो हमसे मत मांगना। अरे आपको पैसों का जरूरत होगा तो आप हमें बता दीजिएगा। रखिए फोन, बाइक चला रहे, साइकिल नहीं। अच्छा, अबे 7 हजार का जूता लिए थे वो। भैया देख रहे हो लौंडे की लेटबाजी। अबे जा रहे हैं अगले महीने वापस, ला देंगे तुम्हें भी। किस्मत है साले इस गुप्ता के लौंडे की, मेहनत बात किया अय्याशी इनके मुंह से छीन के लिया ऑर्डर।
बस थोड़ा कम पैसों में। भैया धंधा जमाने के लिए ना अरे ये सब करना पड़ता है। चलो बीज पड़ा व्यापार का कल होगा विस्तार, जरा जरा से बीम है अब चमकेंगे स्टार, है दिल तेरे सपनों का रॉकेट चांद पे उतार, अब घाटे में अंबानी लेगा अपने से। और भाई लौंडे छुपा छुपा और मुंह छुपा देख रहे हो बालूरा वालूरा चल रहा है। उड़न खटोला हवा में ले जा रोड नाले लोड ना ले लोड ना ले लोड ना ले अगे लोड ना ले 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 लोड ना ले। कमाई के रिकॉर्ड तोड़ देंगे, टाटा बिरला को भी पीछे छोड़ देंगे, हर डॉलर में आएंगे खूब उड़ाएंगे लोड ना ले। अरे यार पेट की पतीला है यार, शर्म करो। चला टी शर्ट लेके आए थे, साला ब्लाउज बना दिए लोग क्या। अबे खड़े होके करो ना तुम। मौसमी लिफाफा आए देखी थे। हाँ हाँ लो ना, ये इतने पैसे 2100 क्यों दे रही हो, 500 दे तो बहुत है। दिमाग सही है तेरा हा? सह परिवार की पत्रिका दी है, तेरे पापा और अम्बी आए, हमारी भी तो इज्जत है, है? फिर तो 10,000 दे दो, सारी इज्जत अगर पैसे से ही मिल रही है तो। तू ना जब से कमाने लगी अम्मा बन गई हमारी, दादा धौंस नहीं दिखाया कर अपनी कमाई की। कैसा है खाना? तो अच्छा बना है, पर क्रिस्पी भिंडी मेरे पापा से बेस्ट कोई नहीं बना सकता। अच्छा, अरे पहले बताती, हलवा ही तुम्हारे पापा को बना लेते। जो बनाना है पापा को वो तो बना नहीं पा रहे हो। क्या बनाना है? ससुर और क्या। चलो आज तो मैं मम्मी पापा से मिलवाई देती हूँ आज कोई। अरे बैठो बैठो, पगला गई हो क्या, कोई समय है? तो तुम कौन से ब्रह्म मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे हो महीनों से, बताओगे? नहीं जाना ना, डरपोक कहीं के। डरपोक हम? हाँ तुम डरपोक हो। अच्छा, मुझे तो लगता है टीटू तुम्हारे मन में ना कुछ और ही चल रहा है, साफ साफ बता दो अगर कोई और बात है तो। मौसमी तुमने हमारे मन की बात पूछ ली है तो आज बता ही देते हैं जो इतने दिनों से बोलना चाह रहे थे। बताते क्या? मन में नहीं है तो मत बताओ। आज नहीं तो कल तो बताना ही पड़ेगा। तो बताओगे? तो बता ही देते हैं। मौसमी आई लव यू। यार तुम ना मुझसे बात ही मत करो, जाओ यहाँ से। क्या है? अरे तुमने कहा बात नहीं कर तो हक कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी था क्या? तुम नहीं बोलोगे क्या? क्या तो जा रहे हम। आई लव यू टू। कल घर का राशन लाना है, बता देना कितना कितना लाएं, पैसे बच जाएंगे तेरे। 600-700 रुपए पर प्लेट आता है आजकल, तीन तीन लोग खाकर आए भर भर के। और पैसे कितने दिए? 500 रुपए। हाथ जोड़कर उनके मुंह पे डकार भी मारा थे तो वो कौन सा हमें भगा देते। हाथ ठीक है, तुम अपने दोस्तों के फंक्शन में जाओगी तो 2100-2150 दे आना, पर मैं दिखावे की दोस्ती नहीं करती। आज ही कमा रहे होते ना तो तू इतना चाप नहीं चढ़ाती हम पे। हाँ मैंने तो लट बजा रखी ना तुम पे। यार तुम बाबा में क्यों आ जाती हो हमेशा, हेल्थ ही रहती तो कर ही लेते ना। इनकी हेल्थ तो ऐसे ही रहनी है, तू कब तक करती रहेगी हमारा? जब तक तुम मरोगी नहीं। गोद ले ले हम दोनों को तू। भैया, ओ भैया, चीटू भैया। लगाए होगे? हाँ वो चल रही है, 80-90 लोगों का खाना बच गया है। क्या बोल रहा है, 80-90 लोग? हाँ ज्यादा सामान लाओगे तो ऐसा ही होगा ना। भाई रुक दे, अरे रोक दे भाई रोक दे।
अरे बहुत खाना बच गया, रखवा दे अंदर। अरे आते हैं हम, रुक जा। ए बाबू, दो तीन बाल्टियां ले आ। साढ़े 17,000 दे दो, बैंक को बर्तन को देने। लाली वो आटे के बीच में 2.5 करोड़ रखे हैं, 3 लाख निकाल के दे दो, 50,000 दे दो चाय पानी। भैया क्या करना है? अरे तुम ले जाओ अपने बर्तन, आगे देते हैं वही तुम्हारा बकाया। जल्दी आ जाना, पता नहीं पैसे देने में क्या चांस होती है। बेटा सीधा चौथी सीढ़ी पे पांव धरोगे तो हमेशा गिरोगे। हाँ ठीक है। अबे इतने दिनों से घुमा रहा है, शर्म नहीं आती क्या तुझे? इतना मारूंगा ना, मार मार ना। पैसा है तभी देंगे, ले निकाल पैसा। अरे ऐसे हम आदमी नहीं उठा सकते, आज उठाया ना तो कंज्यूमर कोर्ट में जाके खड़ा कर देंगे। अरे मारना मारना, क्या हुआ? ऐसा है, एक हफ्ते में अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देना, समझा? नहीं तो मैं तो समझ जा। चलो राजेश, हम कब से कह रहे हैं कि ये छज्जे पे थोड़ा सीमेंट लगवा दो, चटक आ गई है। अरे फिक्र क्यों कर रहे हो, सर पे नहीं गिरेगी, और रात हो गई है, जाके सो जाओ, उधर दिमाग में चमगादड़ मत उड़ाओ। सुनिए, आज वो फिर आए थे बैंक वाले पैसे मांगने के लिए। सुनो एक बार जरा सोच के बताओ, जिस दिन ये टीटू पैदा हुआ था उस दिन रात को अस्पताल में कोई आया तो नहीं? तुम सोती रह गई हो और बच्चा बदल के चला गया हो, मतलब एक भी गुण नहीं मिलता उसके साथ मेरा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप हैं? अरे बेचारा कोशिश करता तो रहता है ना। एक रास्ता है उसे लाइन पे लाने के लिए। हाँ, क्या? वो शर्मा जी कह रहे थे कि अभी भी बता दो, लड़के की शादी करना हो तो बिटिया के साथ में हमारी। उसी लगे लड़का क्या करता है, उनका नौकरी कर रहा है तो हाँ कर दूं। अरे हाँ कर दीजिए। हाँ झूठ बोलूं? पहले नौकरी तो करता था ना, फिर दोबारा कर लेगा, उसमें क्या है? कर लेगा दोबारा। हाँ नौकरी तो कर ही लेगा। हाँ तो तू लगवा दे नौकरी उसकी। चल कर दे शर्मा जी को फोन। ये देखिए बहन जी, ये लड़का जो ये सरकारी नौकर है, करीब करीब 20,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं उसको। ये बिजनेस करता है, ये एकदम दोनों फ्रेश पीस है। सबसे पहले आप ही को ले। भाई साहब हमें तो वो सरकारी वाला ठीक लग रहा है। ये पेंशन भी मिलेगी बुढ़ापे में, है ना? दूर की सोच है। मौसमी, ए मौसमी, भाई साहब क्या एक से बढ़कर एक लड़के लाए, आके फोटो पसंद कर ले। मम्मी तुम्हारे दिमाग में करण लेट पहुंचता है क्या? पीछे बढ़ गई हो मेरे। एक बार बोल तो दिया ना टीटू से करूंगी शादी। साल भर से सुन रहे टीटू टीटू टीटू। हाँ साल भर में तो आमिर खान की पिक्चर भी दिख जाती, तुम्हारा टीटू नहीं दिख रहा। रोज आता है, आता क्यों नहीं है मिलने? ये कौन है टीटू? कौन है ये? साजन चतुर्वेदी के टाइप में कैद नहीं। तुम तो इसकी फैमिली से मुझे मिलवा दो, मैं बात कर लूंगा। आप क्यों करोगे बात? आई एम प्रोफेशनल, ट्रस्ट मी, तुम्हारी स्टडिंग कराऊंगा छुटकियों में। कोई जरूरत नहीं, मेरा मामला ऑलरेडी सेट है। ये तरीका है बात करने का है? आपने क्यों बुलाया इन्हें? बहन जी मेरे 500 रुपए दे दो, मैं चलता हूँ। किस बात के 500 रुपए? अरे मेरी वेटिंग फीस, प्रोफेशनल फीस। अरे ऐसा आप तो वो सरकारी वाले लड़के से ही बात कर लो। हाँ इसके टीटू का क्या भरोसा, साल भर से घुमा रहा है, पता नहीं क्या करेगा। भाई 2-4 हजार की बात होती तो ठीक था, 35,000 ज्यादा होता है। आपको पता चल गया ना मेरी पर्सनल दुकान सुझा देगा, बढ़िया देता है 10% पे। बात करूं? चिल्ला 4,000 रुपए दे। साला चड्डी फटने के बाद भी उसके लास्टिक को कमर में बेल्ट बना के पहनते हो क्या? आज मिला के 4,500 लाओ भाई, 80 रुपए दुकान में डाल लिया। 80 के 70 ना, कहां से बढ़ गया है? बढ़ गया पानी तो वही 2 रुपए का डालते हो। घुटने बैठा बस यहाँ पे। भाभी नमस्ते। भाभी मत बोला कर मुझे। भाभी जी नाराज है? चल मिलता है। चलो भाभी जी
क्या हो गया? मुंह फुला फुला काय लग रहा तुम्हारा? तुम शादी कब कर रहे हो? आज भी वो सजना जी दो नए सजना की फोटो लेकर आए थे। ऐसी सजा रहा डीटू, तुम बहुत जल्दी लाल लहंगे में सजाओ, देखोगे मुझे वो भी लिफाफे लेते। अरे यार तुम बिल लेकर बैठ गई वही बात। एक बार काम सेट हो जाने दो हमारा। हो तो गया तुम्हारा काम सेट? 32,000 का नुकसान हुआ पता है? मुझे लगता है किस्मत में ही नहीं है तुम्हारे बिजनेस करना। तुम ना नौकरी कर लो। नौकरी तो नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे अपना। दोस्तों के बीच ना हमें बैठना होता है, तुम्हें नहीं? जब मैं खुश हूँ तुम्हारी नौकरी से तो फिर दोस्तों को क्या दिखाना है? अरे हमें हमारे लिए करना बिजनेस, तुम्हें दिक्कत क्या है? है ना दिक्कत, एक साल से घूम रही तुम्हारी बाइक पे, अब और बिना शादी के लोगों से मैं भाव भी नहीं सुन सकती। अरे यार वो तुमसे पंगे लेता रहता है, उसकी बात उसका भाव नहीं सुनता, तुम नहीं सुनती। मतलब तुम्हारा शादी करने का कोई इरादा? अरे अरे बा, अरे शाम को आते हैं। अरे घुसा ले तू गाड़ी। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए क्या सेवा करूं? ये जो टीटू भैया गए, ये आपके लड़के? अरे लड़का नहीं है, गलती है हमारी। देखो अगर तुमने उसे कुछ उधार दिया है तो हमसे पूछ के नहीं दिए, इसलिए हमसे एक फूटी कौड़ी की उम्मीद मत रखना। चलो निकलो यहाँ। मैं तो उनके लिए एक रिश्ता लेके आया हूँ। अरे यार रिश्ता नहीं, उसे किसी फरिश्ते की जरूरत है जो उसका दिमाग सही करके उसे काम धाम पे लगाए। आपकी मुंह मांगी मुराद समझे पूरी हो गई, ये फरिश्ता आपके सामने खड़ा हुआ है। शादी की जिम्मेदारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, ऐसे में गधे से गधा इंसान भी घोड़ा बन जाता है, सर पर सर पर दौड़ने लगता है और सिर्फ सीधा दिखता है, काम की तरफ ध्यान देता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहे होंगे? ये लड़की है, ये सरकारी नौकर है। अरे मुझे नहीं नौकरी करवानी यार, हमारा बहुत बड़ा कुनबा है, अपने लड़के की शादी कहीं भी कर दूंगा मैं। भैया कह रहे हो भैया की? ये दुकान पे बैठे हुए हैं। अरे उसकी हो गई है शादी, चलो हटो यहाँ से, दो मिनट और रुके ना तो मेरी भी शादी करवा दोगे। चलो दिमाग में गोबर उग रहा है तुम्हारे, कोई काम नहीं है। लगता नहीं मुझे ये टीटू का बाप है, गोद दिया लगता है। हाँ आओ आगे। मैं तो निकल गई। क्यों? क्योंकि अब मेरा इंटरेस्ट बाइक पे बैठने में नहीं, डोली में बैठने में है, जो कि तुम्हारा है नहीं। मैं बैठूंगी तुम्हारी बाइक पे, ना बोलेगा कोई भाभी। दो प्लेट देना। हाँ ये लो, दूसरा? दोनों मैं ही खाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, एक आटे वाले एक सूजी वाले। हाँ क्या बात है, आज भैया जी लेने नहीं आए भाभी जी? ऐसा देवर जी, अगर एक और बार भाभी बोले ना तो गोलगप्पे बाद में खाऊंगी, आपके आप गाली पहले खाओगे मुझसे। लगता है आज भाभी का झगड़ा हो गया मैडम का। 3 लाख तो मांग रहे हैं, बस करना कुछ नहीं है, 20x20 का जमीन लेंगे, लगा देंगे पानी का फैक्ट्री। अरे जरा धीरे ठोको, मेरा पेट हिल रहा है। अरे महीने का लाख सवा लाख का धंधा है, सोच तो लो। ज्ञान 250 रुपए का फ्रेम 300 में बेचना है ना, पसीने छूट जाते हैं। और एक तुम हो कि 3 लाख रुपए महीना लगाकर लाख सवा लाख कमाने का ख्वाब देख रहे हो। अरे बकलोली की भी खाद होती है यार। एक बात बताओ अंदर पेट ठीक से साफ हो तुम्हारा? ये हमारे प्लान में पानी फेरने के लिए आधे में बाहर आ गए हो। तुम्हारा प्लान एकदम फालतू बकवास है, दम नहीं इसमें। जो करना कर लो, पापा को हमारी बात समझ में आ गई है। हाँ बोल दिया उन्होंने? मैंने नहीं बोला। हाँ सुन लो, बैठे अंदर कान बाहर छोड़ दे। अरे अभी तो मुंडी ला के हाँ बोला ना आपने? तू पहले ही मेरे साथ 8 लाख रुपए डुबो चुका है, 3 लाख रुपए चाहिए थे। अरे बेटा कचरा हवा में उड़ते हुए अच्छा लगता है, अपने सपनों का जमीन ले लिया नौकरी कर, बस यही औकात है तेरी। औकात क्या है ना, वो हम नहीं बिजनेस में होने वाला फायदा बताएगा हमारा। रवि अरे अपने मोबाइल से फोटो दिखा दे इसे। दिखाता हूँ, देखो क्या है। पल्लव वसंत
दुल्हन है तुम्हारी, भाई तुम पसंद करो ना करो, पापा ने रिश्ता पक्का कर दिया है। ए शादी है, फ्रीजर वॉशिंग मशीन नहीं तो फाइनल कर दिया है। हमसे बिना पूछे हाँ कैसे कर दिया आप? तुझसे पूछ के तुझे पैदा किया था, अपनी मर्जी से पैदा किया है। यहाँ जो भी काम होगा मेरी मर्जी से होगा, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं होगा। जो भी उखाड़ना उखाड़ ले मेरा। लेकिन निकली है ना बादशाह जी की, तो सबको बता दें अपनी मर्जी की लड़की ढूंढ चुके हैं हम, जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए। हे भगवान, अरे चीटू, अरे हम तो कोई साड़ी भी पसंद करते हैं ना तो सबको बताते हैं। अरे तुमने लड़की पसंद कर ली और हमें बताया तक नहीं। देखो तुम्हारे पापा ने शर्मा जी को हाँ बोल दिए, अब उन्हीं की लड़की से कर लो, समझ गए? तो हाँ ही बोले है ना, शादी का लहंगा थोड़ी भिजवा दिए। हमें पानी की फैक्ट्री के लिए पैसे चाहिए, उसके बाद शादी का सोचेंगे हम। ठीक है बाबा जी, मैं कल आता हूँ लड़के वालों को लेकर। ठीक है भाई, सब रखते हैं। मौसमी, कल साजन भाई साहब लड़के वालों को लेकर आने वाले हैं। यार मम्मी कुछ तो होने दो ना, मेरे मन का सालों लग जाते हैं अंडरस्टैंडिंग बिठाने में। तेरे पापा और हमारी तो दो दिन में बैठ गई थी अंडरस्टैंडिंग। हाँ एक बार मिल तो ले, फिर बिठाती रहना अंडरस्टैंडिंग सालों तक। अच्छा ठीक है, मना कर देते हैं साजन भाई साहब को। अब तू ऐसा कर कि कल टीटू की फैमिली को बुलाई ले मिलने के लिए। ठीक है, आपको जो करना है ना करो। दिख रही है तेरी अंडरस्टैंडिंग, दिख रही है। कह तो दिया ना मम्मी, आप लोगों को जो करना करो। इतनी गुस्सा क्यों रही बेटा तू? अरे एक बार मिल लेना, ना पसंद आए तो मना कर देना बेटा, माँ का मन रह जाएगा बेटा। मैंने बस ये कहने के लिए फोन किया है कि अब मैं अरेंज मैरिज ही कर रही हूँ। कुछ बोलोगे? बहुत ही चीकट किस्म के आदमी हो तुम। चाहते ही ये थे ना? मैं नहीं समझ पाई, जो आदमी बोल तक नहीं पा रहा है वो मेरी मांग क्या भरेगा? अब कोई जवाब नहीं होगा ना तुम्हारे पास। बेस्ट हनीमून प्लेस, एंजॉय योरसेल्फ। भैया जी, आपके साथ ना बिल्कुल उस कहावत जैसा हो रहा है, धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। अबे धोबी का कुत्ता होता है गधा। आपको कुत्ता नहीं कह सकते ना भैया जी। तो गधा बोल रहा है, है? आप ही बता दीजिए, कुत्ता बोलूं या गधा बोलूं? बताए भैया जी, आज से ना हम आपको ढोल बुलाते हैं। काहे काहे? अरे एक तरफ से फैमिली बजा रही है, दूसरी तरफ से भाभी जी बजा रही है, मतलब दोनों तरफ से आप बज ही रहे हैं। भैया जी, हमारे दिमाग में ना एकदम ही चौकस आइडिया आया है। फेंके क्या? नहीं। अरे एक बार फेंकने तो दीजिए, अगर मजा ना आए तो फिर कहिए। नहीं नहीं है भैया जी, एक बार प्लीज प्लीज। अच्छा भौंको। भैया जी आप ना अपनी सेटिंग से प्यार आजा लीजिए। अरे सुनिए तो, शर्मा जी की बेटी वाला फंदा गले से बाहर और भाभी जी करके अंदर, है ना? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गाल पे खाओगे, गुद्दी पे खाओगे, फेंके मछलियों के बीच है? साले काम धाम है नहीं, मौसम को उठा के घर पे ले आए साले। बड़े बढ़िया आइडिया तुम्हारे, चौकस। अब काम धाम तो सेट हो जाएगा ना भैया जी, लेकिन एक बार अगर भाभी जी की जगह कोई टेढ़ी खीर आ गई ना भैया जी, तो तुम्हारे मिनरल वाटर जैसी सपनों की जिंदगी को कीचड़ में बदल देगी। हमारे घर वालों को जानते नहीं हो तुम, हैं? मानेंगे वो लोग शादी करे? और आपके पिताजी ने क्या किया? आपसे बिना पूछे आपकी शादी तय करके आ गए। आप कम से कम उनसे बिना पूछे अपनी शादी का कार्ड तो बंटवा ही सकते हैं ना भैया जी। एक बार बात उछलेगी, उसके बाद शादी भी हो जाएगी। मुबारक हो शुक्ला जी। किस बात की? अरे मिठाई नहीं खिलानी थी तो कार्ड बेटे के हाथ भेज दिया शादी का। शादी का कार्ड? आपके बेटे की शादी का कार्ड। ये कौन सा कार्ड आ गया भाई? अरे देखिए, हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लड़का और लड़की आपस में एक बार बात कर लें तो अच्छा होगा, है ना? क्योंकि जिंदगी तो इन्हीं को साथ में काटनी है। काटनी नहीं, गुजारनी है। हाँ। तो बेटा अपने होने वाले के साथ अंदर जाके क्या बातें कर लूँ कुछ? अरे अंदर कहाँ, छत पे ले जाओ बेटा। हाँ आइए। ए
सारी रोटी तू केक के साथ ही खाएगा क्या? ले ले सब्जी ले। अम्मा आप इन्हें समझाती का ही नहीं है, ये हमें फिर तोतला तोतला कह के बुला रहे हैं। अरे तो है नहीं, कह तो तोतली क्यों तंग करा फिर इसको? सुन अगर आज के बाद तूने इसको तोतला बोला ना तो समझ लेना तू। अरे सुनती है पापा जी, देखिए ये हमसे फिर तोतला रहे हैं। तेरा शांति पाठ करता हूँ मैं। अरे इतनी बार तो कर चुके हो, अब और करोगे तो अमर जाऊंगा शुक्ला जी। ए लाली देखा बाप का नाम ले रहा है ये? नाम से नहीं, सर नेम से बुलाया है। तुम्हारा नाम तो राजेश है ना? अरे अरे इनके मुंह में फेविकोल भरो यार, कोई जब देखो तब मुंह खोल देते हैं यार। भरा फेविकोल, दिमाग खराब कर दिया है। ये ले रोटी ले। आप क्यों इतना उबल रहे हैं बताइए जरा? इसको नहीं करनी आपकी मर्जी से शादी। और ये क्या है? ये कार्ड भी छपवाया है ना, अगर लड़की लेके आ जाता घर पे तो क्या करते आप? हाँ, और बेटी के बराबर जो लड़की वालों के दरवाजे पर आने की खुशी मिलती है वो पा सकते हो अभी भी। शुक्ला जी इधर आओ। अच्छा वहीं से सुन लो। बोल। कल दिन 12 बजे लड़की वालों से मिलने का टाइम फिक्स किया राजभोग रेस्टोरेंट में, तू आने मत जाना कल। भाई साहब, साजन भाई साहब आइए। बुला रहे मैं आता हूँ। क्या अब क्या है? मौसमी कह रही है कि टीटू के घर वाले कल मिलना चाहते हैं। यहाँ फाइनल राउंड चल रहा है और यहाँ टीटू टीटू हो रही है। टीटू बीच में कब आ गया? टीटू तो पहले से ही था, बीच में तो ये लोग आए हैं। एक काम करिए आप, इन्हें परसों तक के लिए टाल दीजिए। अरे यार ले जाइए, अपने अरे पिंकी दरवाजा बंद कर देना, कुत्ता ना घुस जाए। अरे कुत्ता नहीं बंदर, वो टीजू का पजामा सूख रहा है। अरे आप चलिए। अरे दूल्हे राजा तू अंदर बैठ, बड़ा लपक के बैठ गया। 1600 रुपए का पेट्रोल डलवाया और तू लॉलीपॉप चल चल चले गया इन लोगों पीछे चल। अच्छी मैं तो कहती हूँ घर गृहस्थी की जरूरत की सारी चीजें मांग लीजिए, फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीन और 2-3 तोला सोना। फूफा जी बोले थे डिमांड क्या करना है, जो आप बोल रही है ना उसको लूट कहते हैं। अमा यार बड़े बदतमीज लौंडे हो तुम, तुमको ये नहीं पता कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते हैं। बीच में कहाँ बोले फूफा जी, बुआ जी सब कुछ बोल ली उसके बाद बोले हम। बेटा टीटू तुम्हारी संगत ठीक नहीं है, हमको निभाया ये लौंडा। आपकी फैमिली में से और कोई नहीं है? हमने सोचा कि पहले हम लोग मिल लेते हैं, फिर बात नहीं जमी तो जगह सही हो जाती है। रिश्ता तो पक्का ही है, बस थोड़ी सी रसम है ये पूरी कर दीजिए बस। ये क्या है? माफ कीजिए, ये तो नहीं गिर पाएंगे क्योंकि हमारी इतनी हस्ती नहीं है। जितनी आपको सहूलियत लगे कि इतना हम दे सकते हैं उतनी कर दीजिए बस। देखिए शुक्ला जी, हमारा तो बस एक ही सपना था कि हमारी इकलौती बेटी है खूब पढ़े लिखे, इसलिए जिंदगी में जो भी थोड़ा बहुत कमाया सब अपनी बेटी की पढ़ाई पर लगा दिया। आपको शायद पता हो कि 8000 बच्चों में से सिलेक्ट हुई थी मेरी बेटी। हम तो एक अच्छी एजुकेशन ही दे सकते थे, वो हमने दे दी, लेकिन ये हम नहीं कर सकते। अरे सबकी जरूरत नहीं है, मेरा भी मन है कि रिश्ता अच्छे से हो जाए, ये सब लेन देन कौन चाहता भाई। साले साहब एक मिनट रुकिए, हम बात कर रहे हैं ना। आज तक हमने इतने रिश्ते कराए हैं और हर जगह लिस्ट दी है, लेकिन आज तक पूरी तरह से हमारी लिस्ट कभी रिजेक्ट नहीं हुई। आप इनका साथ दे रहे हैं, हद करते हैं आप तो। हमारी बेइज्जती कराने के लिए आप यहाँ लाए थे, हम नहीं रुक रहे हैं। अरे भाई सुनो, और ना ही कभी नाश्ता वगैरह आने में इतना समय लगा है। हाँ तुम बैठो यहाँ अपने भाई के पास, अभी जाके देख जा रहे हैं। अरे तुम बैठो ना, तुम क्या खड़े हो, अभी जाके पकड़ के लाया। देखिए आप चिंता मत कीजिए, वो हमारे जीजा जी ना बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं लेकिन फिर मान भी जाते हैं। ये सब लेन देन छोड़िए, खाना पीना अच्छे से हो जाए बस यही बहुत है। खाना तो हम बहुत अच्छा कर देंगे शुक्ला जी, लेकिन वो पीना थोड़ा सा। अरे आप पीना हमारी पीने का तो कर दीजिए बेटा, जब बड़े बात कर रहे हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अरे कम बोल, ये छोड़िए, खाना पीना होता रहेगा, रिश्ता पक्का समझे। हम लोगों को तो कोई आपत्ति नहीं है, हमारी जब से तो पक्का है। ये बात है। अरे तुम्हें ड्यूटी पर जाना है ना, अब जाओ हम कर लेंगे। जाओ बेटा जाओ, बस थोड़ा सा आटा मार लेते हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है भाई, हम कर लेंगे बेटा, जाओ 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 जाओ, छोड़ो छोड़ो। पापा जी एक चाय और बना दो। हाँ बना दे बेटा। अरे तुम फिर लग गई काम में, मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, जाओ बेटा तुम जाओ।
जाओ तो ले लीजिए आपकी चाय। पापा जी। अरे बेटा खुश रहो, देखो बहुत निकल गई काम पे, वो पसरा पड़ा है अभी, हद है यार, सा कलेजा फटता है मेरा कसम से। ए चिट्टू उठ जा, 10:30 बज गए हैं, उठ जा। क्या यार नौकरी का क्या हुआ? 3 लाख रुपए दे दो, पानी की फैक्ट्री खोल लूंगा। 3 लाख पेड़ लगाऊंगा बाहर, हिला ले पकड़ के। ये गद्दे कौन सुखाएगा अब? गद्दे इसका बाप सुखाएगा, ले और सुखा दे। क्या कर रहे हो? पला गद्दा सो देता। मां चाय पिला दे। इलायची पड़ेगी क्या? कोई बात ऐसी है, तुम्हारे ऑलरेडी 3 credit cards फॉल्टी है, 5 चेक बाउंस हो रखे हैं, बस तुमने बैंक में चोरी नहीं की, वरना जब तक तुम्हारा रिकॉर्ड रहा है ना, उस हिसाब से कोई भी बैंक लोन ना दे, समझे? देख भाई, ये ना बिजनेस छोड़, ये ना बड़े लोगों के काम है, पैसे चाहिए लगाने के लिए, अभी ये लोन का छोड़ो और नौकरी कर लो। नौकरी का तो आविष्कार हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए हुआ है। अरे कुर्सी दी जाती है काम पेलने के लिए, तुम ज्ञान का पले जा रहे हो बे, हमसे नौकरी नहीं होती। 3 लाख का लोन दिलवा दो बस। तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपनी बीवी के नाम पे लोन ले लो, भाई सरकारी नौकरी है, लोन भी आसानी से मिल जाएगा। ये करिए तुमने सही बात, अब लग रहा है हमारे दोस्त ने कुछ बोला है, तो तुम फॉर्म रेडी करा दो, साइन तो करा देंगे। अबे तुम टेंशन मत लो, हाँ जुगाड़ हो गया है, अबे तुम तो सिर्फ जगह ढूंढ के रखो। नहीं नहीं A1 जगह चाहिए। अरे चलिए कीर्तन शुरू हो गया, चलिए। यार मम्मी लाइट तो सबकी गई है ना, सिर्फ अपने घर की गई होती तो कर देती फोन। वेट करो आधे घंटे में आ जाएगी लाइट। अच्छा रखती हूँ, खाना लेकर आती हूँ। अरे नहीं सुनो, शुक्ला जी के ना मुंह बंद होने वाला, पैसों का जुगाड़ हो गया हमारे। कैसे? अरे बैंक लोन दे रहा है हमें, अब खोलेंगे पानी की फैक्ट्री और हर महीने 1 लाख का धंधा। यू वाह। अच्छा सुनो, लोन के पेपर में साइन कर देना। मेरे साइन क्यों? रुको सुनो सुनो तो। मुझे साइन करने? अरे हमारे नाम पे मिल नहीं रहा है, स्लिप तुम कर दो, और दोस्त बाहर जा रहे हैं, लेट आएंगे, तुम खा के सो जाना। बेटा सपूत तो सुख, और बेटा कपूत तो दुख, और बेटा अगर मुंह रखो तो दुखों की ऐसी झड़ी लगे, ऐसी झड़ी लगे कि देवता पूछने से भी ना रुके। बनिया आया था दुकान पे, तुम्हारे बेटे ने कैटरिंग के लिए जो उधार पे सामान उठाया उसका पैसा मैंने नहीं दिया उसे। सच मुझे बड़ा ही बदतमीज हो गया है टीटू, शादी में इतना शगुन आया, इस लड़के ने 10 रुपए हमारे हाथ में नहीं रखे। अरे तुम्हें तो 10 रुपए का रोना लगा हुआ है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि उसे समझाऊं कैसे, महादेव तो कैलाश से समझाने आएंगे नहीं। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारे इस बेटे ने दोबारा से अब कर्जा लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारा बेटा मतलब? हमारा बेटा मतलब हम क्या खेत में उगाए थे उसे, अब खुद से नहीं संभल रहा है तो हम पे डाल दो। अरे क्यों ना डालूं तुम पे, तुम ही संभालो, तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर फसल खराब हो रही हो तो उस पर ऐसी दवा छिड़को कि ठीक हो जाए। अब तुम ही कुछ करो उसे रास्ते पे लाने के लिए। आओ सब रख। अरे यार माँ सुबह सुबह बर्तन क्यों फेंक रही हो? सुबह सुबह नहीं, 10:30 बज रहे हैं, आज से तुम दोनों भाइयों की रसोई अलग। ए पिंकी 5 से पहले है ना, ये ले, ये 2 तू रख ले, ये ले, और ये 2 चीटू के लिए और एक मेहमानों के लिए। मम्मी दी आपकी प्लेट कहाँ रखे? अच्छा मेरी प्लेट कहाँ रखे, ये क्यों नहीं पूछती कि मैं कहाँ खाऊंगी? अरे इसी पेट से दोनों को जनाए, जहाँ मर्जी होगी वही खाएंगे। अरे हमें कौन रोटी देगा, ये भी हाथों हाथ फाइनल कर लो। अरे तुम तो कच्चा आटा खा के तवे पे बैठ जाओ। और तुम टीटू क्या है? अपनी रसोई में राशन भरवा लो, फिर चाहे 56 भोग खाना या रूखा सूखा, अपनी तुम खुद जानो। सुबह सुबह क्या भजन मचा रखी है यार, एक चाय तो पिला दो कम से कम। चाय पिला दो नाथ साहब को। टीटू भैया पैसे। शनि राहु केतु सब साले इकट्ठे सुबह सुबह कुंडली में आके बैठ गए हो क्या? रुको अरे घर में घुसोगे क्या?
कह रहे ना दे रहे हैं। रुको लो, बाकी दुकान में के देंगे और बार बार घर मत आया करो। चलो जल्दी आ जाना, फिर दे देंगे ना। और एक बात याद रखिए, नौकरी करके आप सिर्फ अपना ईएमआई भर सकते हैं। बीएमडब्ल्यू ऑडी में अगर घूमना है तो बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो सब अपना प्रोडक्ट्स का रिव्यूज करवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करती है। यही रिव्यूज हमारी कंपनी करती है। आपने सिर्फ अपने मोबाइल से ज्यादा रिव्यूज करने हैं और करवाने हैं। और यकीन मानिए मेरा, किसी भी बड़ी कंपनी का सीईओ जितना कमाता है, आप खुद कमा सकते हैं। तो जिसके नीचे जितने ज्यादा एम्प्लॉइज, वो उतने ही बड़ी कंपनी का सीईओ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द परफॉर्मर ऑफ लास्ट वीक, मिस्टर आशीष बहलोतिया। सो मिस्टर आशीष बहलोतिया, लास्ट मंथ का आपका चेक कितने का था? 1,47,000। हाउ मच सर? 1,47,000। सेवेंथ मंथ में 1,47,000। तो दो साल के बाद यही पर मंथ का चेक आपका कितने का हो सकता है? सर तकरीबन 3,00,000 पर मंथ। 3,00,000 होगा या इससे कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है? मुझे तो लगता है इससे ऊपर ही होना चाहिए, लेकिन हाँ मिनिमम 3,00,000 तो होगा ही होगा। वंडरफुल, गिव अ बिग हैंड। ओके गाइस, नाउ वी विल ब्रेक फॉर लंच। सर जी, बात करनी है उसे। एक्सक्यूज मी, हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत लोगों लेंगे अपने से। आप चाहें तो आप बताइए हमें इसी हफ्ते कर सकते हैं कुछ? हाँ श्योर सर, कम से कम 50 से 100 लोग तो आराम चला सकते हैं। वेरी गुड, तो 3,00,000 रुपए पर मंथ आपका भी फिक्स हुआ समझो। और सर वो हमारे अंडर होंगे सब? सारे के सारे, वो जितना कमाएंगे उसका कमीशन भी आपको मिलेगा। आप बस आप बैंक में अकाउंट खोल रखा है कि नहीं? हाँ सर, वो अपना पूरा हम इवेंट में क्रिएट कर देंगे, लोगों को बुला देंगे, वो सब हमारे ऊपर। आप जब भी ऐसा करो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। सर अभी इसी बुधवार कर लेते हैं फिर। लेट्स डू इट। हेलो, अरे भाई दे देंगे तुम्हारे पैसे यार, काय पिछवाड़े में आग लगा दी यार बार बार फोन कर करके। हाँ साइन करना भूल गई। योगिता जी मेरा काउंटर संभाल लीजिए ना, ये बिल लो, एक यहाँ पे कर दो और एक। फिर सुनो ना, इसका साइन नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाऊंगी मतलब? मतलब तुम चलो, मैं एक मिनट, तुम्हें पता है ना हमें जमा करना है आज, कल संडे है। अरे करो ना यार, लो। मैं अपने नाम पर तुम्हें लोन नहीं दिलवा पाऊंगी। एक सेकंड, क्या मतलब अपने नाम पे लोन? हम तुम्हारे कुछ लगते नहीं है क्या? तुम्हें भी यही लगता है कि टीटू पैसे लेगा तो उसकी किस्तें नहीं चुका पाएगा, इज्जत खराब हो जाएगी यहाँ पे तुम्हारी, है? बोलो। ऐसी बात नहीं है, पर बाद में होता रहेगा, पहले साइन कर दो। अरे कुछ महीने तुम्हारी किस्तें चुका दोगी तो क्या हो जाएगा? पति हैं तुम्हारे, हक है कि नहीं इतना? हम काम कर रहे होते हैं, तुम्हें जरूरत होती, पैसे देते नहीं देते तुम्हें। करो ना यार माफी, साइन चलो यार। नहीं दिलवा पाऊंगी तुम्हें मैं लोन। तो बोल दो कि तुम्हें भी हम पे भरोसा नहीं है। एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं है। क्या मतलब? एक्चुअली मेरे अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं रहते हैं, सैलरी में से सिर्फ 3,000 रुपए रखती हूँ, बाकी मम्मी पापा के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। प्लीज समझने की कोशिश करो।
हाँ ठीक है समझ गया। भैया हम ना हॉलीवुड की एक फिल्म देख रहे थे एनाकोंडा। जो आपका ससुर है ना साला एकदम वैसा का वैसा ही है, सब कुछ निकल लेना चाहता है। सारे बाप एक ही जैसे होते हैं कुकू, हम तो नहीं सुनते शुक्ला जी की। मौसमी को तो हमारे बारे में सोचना चाहिए ना। अरे लेकिन आपका ससुर सोचने दे तब ना। आपको मालूम है भैया ये जो अजगर का पेट होता है ना बहुत बड़ा होता है, आप जाकर पूछते क्यों नहीं है उनसे कि साला कब भरेगा इनका ये खाली पेट। आप दामाद है उनके, आप पूछ सकते, इतना तो हक है आपका। अरे भैया कहाँ चल दिए? अरे भैया अभी जीतू के साथ जाना है ना मीटिंग में। फोन करें बोलियो। देखना ये दाल सही है। इतनी दूर से कैसे बता दूंगा मैं। खराब होगी। अरे टीटू जी अब मौसमी नहीं आई? नहीं जी थोड़ा काम पे थी। आई 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 ना। नहीं क्या बात बेटे, थोड़ी सी परेशान से नजर आ रहे हो। परेशान हूं शायद इसलिए परेशान नजर भी आ रहा हूं। एक बात करनी है आपसे। हाँ कहिए। हमारी चीजों पे किसका हक है? मतलब हमारा जो भी है उस पर मौसमी का ही हक है ना। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है आपके और मौसमी के बीच में? पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, पर हमें अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए था। हमारे नाम पे तो मिल नहीं रहा है। मौसमी को बोला, साफ साफ मना कर दिया उसने, जैसे हम कुछ लगते ही नहीं उसके। अब बड़े लोग ही कहते हैं ना, पति पत्नी गाड़ी के तो पहिए हैं, अरे एक पहिया दूसरे पहिए का साथ नहीं देगा तो गाड़ी चलेगी कैसे। और ये जो कुछ हम कर रहे हैं अपने तो नहीं कर रहे हैं, दोनों के लिए कर रहे हैं। हाँ बोलो। अरे भैया कहाँ हो यार, बताओ ना वो अरेंजमेंट का क्या करना है, इतना चीजें फंसा हुआ है कौन देखेगा ये सब। ये क्या कर रहे हैं एक बार? हाँ बकैते कहती मत करो यार, वहां मिलते हैं सीधे। हाँ अच्छा ठीक है बात मत करो। हाँ जयबाजी मौसमी थोड़ी अलग है, उसे बताना मत। ये लीजिए रख लो बेटा, अभी तो हमारे बच्चे ही हो, अभी इतना ही है, बाकी आप हर महीने आकर के ले जाना, उस पर आप ही का हक है बेटा। ये रखो बेटा। थैंक यू पापा। अरे टीटू जी रहने दीजिए, हमारे यहां दामाद पैर नहीं छूते। हाँ और ये अच्छा। हाँ आ चलते। अरे टीटू जी कुछ ठंडा गरम। नहीं जी बस थोड़ी देर में, जल्दी में। अच्छा अरे आपको नहीं लगता हमें ये बात मौसमी को बतानी चाहिए? आ जाओ भैया आ जाओ। चलो 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 भाई, पुनीत भाई ओमकार आ चलो। हमने क्या है ना, तो भाई आ गए फॉर्म दे देना वहाँ पे। लियाकत अली भैया जी आ जाइए, अली दुसैन भाई, मोहम्मद फारूक भाई चलो, रफीक भाई चलो, साई भाई हाँ बताओ, पुनीत भाई किधर रह गए थे चलो, ओम प्रकाश चलिए, विपिन भाई चलो आपका, हाँ बताइए गुड्डू भाई,
ए खच्चर, ये क्या हो रहा है? काहे का मेला लगा रखा है? और ये टीटू का इतना बड़ा बड़ा फोटो, ये पैसा कमाना, ये क्या है रे? अंकल जी क्या है ना कि ये सारा इंतजाम ना टीटू भैया ने किया। अच्छा चल दिखा क्या टीटू कर दिया। आपकी एंट्री नहीं है अंदर। क्यों मेरी क्यों नहीं एंट्री? नहीं आपका नाम नहीं है लिस्ट। अरे मैं देखूं मेरा लड़का क्या कर रहा है वहाँ, तो मेरी एंट्री नहीं है। अंकल जी क्या है ना टीटू भैया का आदेश है कि आप अंदर नहीं जाएंगे। वो गया कहाँ टीटू, गया कहाँ? आने वाले अभी आने वाले मिलवाता हूँ। हाँ चलिए बताइए, काम का टाइम अंकल, काम करने दीजिए। अरे आइए टीटू भैया आ गए। टीटू भैया हटिए 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 हटिए, साइड हटिए साइड हटिए साइड हटिए। अरे एकदम फर्स्ट क्लास एग्जाम करा रखा आपके लिए। चलिए पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। चलिए चलिए पीछे हो जाइए। आइए भैया आइए। क्या हो रहा है? टीटू भैया अंदर आने की जिद कर रही है, अब क्या करें इनका? अरे आने दो, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। चलिए चलिए, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाद आप सबकी जिंदगी बदलने वाली है। हम जानते हैं कि आप बहुत लोग हैं जिन्हें हमारी बात समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि सोच बड़ी नहीं है ना। सालों से घिस रहे अपनी चप्पलें आम आदमी बन के, कभी सोचा नहीं कि पैरों में महंगे जूते पहन सकते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हो, अरे रोटी सूखी रोटी के चंगे मक्खन मलाई के बना सकते हैं। और आप सबका ये सपना सिर्फ सिर्फ पैरा विजन पूरा कर सकता है। अरे वो डबल रोटी होती ना, उसके बीच में कुछ पैसा फंसा के चिपका के दे दिया। अरे सैंडविच बोलते हैं उसको, है ना? जो भी बोलते हो, लेकिन बड़ा मजा आया मुझे, और सामने वाली कुर्सी में बैठा दिया। अब ऐसा बड़े लोग थे, ऐसा झामा मचा हुआ था। अरे पनीर बना। हाँ भाई, मुझे तो आलू की उम्मीद नहीं थी, ये पनीर ले आया। क्यों बेटा, ये नया काम तो ठीक ठाक लग रहा है, क्या लगता है कामयाबी मिलेगी? अरे लगता नहीं है शुक्ला जी, कन्फर्म है। आने वाले 3 महीने में घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी। क्या ना शुक्ला जी, हमने एक बात सीखी है, अमीर बनना है तो डर संकोच छोटी सोच इन सब से अपने आप को दूर रखो। जो करना है कम सोचो, तुरंत फैसला को लौट कर दो। नजर न लगे हमारे बच्चे को। भाई हमें तो अपने टीटू पर पूरा विश्वास था। तभी बर्तन अलग कराए हमारे। ऐसे तो ना बोलो। एक गिलास पानी पिलाइए हमें। मैं लेकर आती हूँ। टीटू हम सोच रहे हैं कि हम भी एक मेंबर बन जाएं। अच्छा बेटा, पपीता पपीता होता है उसमें आम की खुशबू नहीं आती। जो तू कर रहा है ना वही ठीक है, इसके काम में बहुत बोल बचन की जरूरत पड़ती है। तू तो बस फ्रेम में चेपी लगाता रह। अरे तुम मायूस मत हो, है ना, बनवा देंगे तुम्हें मेंबर अपने अंडर में। सैकड़ों लोग हैं, तुम भी बन जाओ ना। अरे इधर आओ, बात आता तुम्हें। मुबारक हो टीटू शुक्ला, तुम्हें वैसा काम मिल गया जैसा तुम चाहते थे। अरे मासूम, दिमाग का सही इस्तेमाल करो ना, तो अंधेरे में रास्ता मिल जाता है। आज तुम्हारे टीटू ने सबको पीछे छोड़ दिया। अरे लोग होते हैं बेवकूफ, हर मंजिल का ना एक शॉर्टकट होता है। लोग जाते हैं गोल घूम के, और हमने ढूंढ लिया शॉर्टकट। अब देखना इससे पैसा बना के कितने बिजनेस सेट करते हैं। क्या बात है, तुम्हें ऐसी सक्सेस मिलती रहे और ऐसी पार्टियां चलती रहे। अब तो देखो हफ्ते में 2 बार ही खाएंगे। भाई आज तो बड़ी लिपस्टिक लगाई जा रही है, कहाँ जा रही है सवारी सज के? हमारे ऑफिस में ना चावला जी, उनका 50वां बर्थडे है मम्मी जी। अच्छा। तो पूरे स्टाफ को ना लंच पर बाहर लेकर जा रहे हैं। अरे जाओ जाओ बेटा, रख देना कपड़े। बनना है ना तो अपने को मल्टीटास्किंग करना सीखना पड़ेगा।
अंबानी है जब अंबानी सिर्फ सिम बेच के नहीं बना है, कई जगह दिमाग लगाता है इसलिए अंबानी है। अरे मुखर्जी जी आ गए। हेलो फटाफट समझा दे इनको तू बिजनेस। हाँ बोलो। मेरे पास भी कुछ पैसे थे टीटू, वो मिल नहीं रहे हैं। अरे टीटू वो बर्तन वाले का कॉल आ रहा है, ले बात कर। अरे भाई एक हफ्ते और रुक जाओ, दे देंगे तुम्हारे पैसे। अरे कितना रुके हैं? अरे इतने हफ्ते निकाल दिया आपने। मैं आपके घर के पास खड़ा हूँ और आज पैसा लेके जाऊंगा किसी पैरत में, तुम समझ लो। मुझे लगता है काफी बिजी हो आप लोग, मैं बाद में आता हूँ। अरे नहीं नहीं आप बैठिए ना टीटू। अरे बहुत ही सिंपल बिजनेस है ये, दूसरों के पैसे खाना बिजनेस है आपका। अरे भाई तुम्हारे 11,000 रुपए बचे हैं ना, दे देंगे बाकी के पैसे। 11,000? तुमने कौन से पैसे लिए मेरे? अरे सॉरी सॉरी तुमसे नहीं बोल रहे। अरे भाई तुम्हारे पर्स से 6,000 रुपए हमने निकाले। पर्स? मेरा पर्स? तुमने मेरे पर्स को हाथ लगाया, वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं बाद में आता हूँ। अरे अब बैठिए ना, मौसी तुमसे बाद में बात करें। बाद में नहीं जीतू, मुझे अभी जवाब चाहिए। तुमने मेरे पर्स से पैसे क्यों निकाले? पता है लड़कियों के पर्स को हाथ ही लगाते। आप मुझे ये बताइए कि मेंबर बनने के लिए कितना पैसा लगेगा? 13,000 रुपए। हाँ ठीक है घर के बाहर खड़ा हूँ, आ जाओ। अरे तुमसे ये तुमने ठीक ही किया जीतू, मैं कल आता हूँ लेके। ठीक है ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती सारी हमारी है। अरे फोन करो उसे, चिल्ला रहा है घर के सामने खड़े होके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चार्ल्स, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो। हेलो मम्मी। आ गई तुझे हमारी याद? क्रिस्पी भिंडी खा लेना, तो याद तो आनी चाहिए। पता है आपको अभी भी उन्होंने पापा के हाथ का टेस्ट मेंटेन किया हुआ। तो शुभम में है? तो वो भिंडी तेरे पापा ने ही बनाई है बेटा। शादी के बाद तुझे तो टाइम मिलता नहीं है, दिन भर घर पर बैठे बैठे बोर होते रहते, तो सोचा फिर से काम पकड़ ले। हेलो मौसमी। हेलो बेटा, हम तेरे लिए चाय बना के। नहीं बैठो यहीं। बोलोगे आप? अब हम तुझे से सवाल मत पूछ। क्यों? आप ही कहते थे ना सबको कि आपको लड़का नहीं चाहिए था, मैं ही आपका लड़का हूँ। फिर ऐसी कंडीशन में आपको काम करने की जरूरत पड़ गई? मुझे अच्छा लगता है, अपने लिए तो कर सकता हूँ ना। फिर 3 सालों से क्यों नहीं कर रहे थे? हाँ गलती हो गई, 3 साल से तेरी कमाई खा रही थी। यही सुनना नहीं दिया था। पापा मुद्दे को ना कहीं और मत लेकर जाओ, और ये फालतू की बातें मत बनाओ। पूरी जिंदगी काम कर लोगे? कब तक खाएगी तेरी कमाई? तेरी शादी हो चुकी है, आपकी गृहस्थी समान, हमारी चिंता मत कर। पापा कहाँ जा रहे हो? पापा पापा कुछ तो हुआ इस घर में, ये सब आपने शादी से पहले क्यों नहीं किया? अगर ये ढंग देख ली तो मैं शादी नहीं करती मम्मी। देखो अगर मुझे बाद में पता चला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलोगी क्या बात है, क्या जरूरत पड़ गई इनको काम करने की? बोलोगी? बेटा वो क्या? वो टीटू जी। सही में भाई, अबे और लौंडो चौकस। एकदम चौकस भैया जी। चलो चालू रखो अपनी जमघट। साला बाप के पैसों पे उड़ता है, 3 साल विदेश घूम के आए, आके बाप की गद्दी संभाली, अय्याशी जिंदगी काट रहे हैं। अबे विदेश से कुकिंग का कोर्स करके आया बेटा कद्दू। अरे बेफ को बनाने के लिए अफवाह फैला रखी है मार्केट में बस। अबे देखो इन्हें खाना बनाएंगे, साला चाय ना बने। अरे 6 महीने रुको, इस गुप्ता के लौंडे को ना पिछाड़ देंगे, इससे महंगे कपड़े पहनेंगे, इससे महंगी गाड़ी खरीदेंगे, इससे महंगा मोबाइल। भैया जी इतना सब कुछ महंगा ले रहे हो तो दारू भी महंगी ले लेना। अरे क्या हुआ, फोन कर लेती? बात करनी थी तुमसे। हाँ तो फोन पे भी तो बात ही होती है, कुको तो चकना रखने का काम आता है। बोलो। मेरे मम्मी पापा से पैसे क्यों लेकर आए तुम?
हमसे बोला मत बताना, तुमको बता दिया, चालू पड़े लोग। ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे मम्मी पापा के बारे में? अरे छोटी सी बात है, बाद में बात करते हैं, जाओ। मुझे भी बात करनी है। अरे घर जाओ ना यार, बात करेंगे ना आराम। मैंने कहा ना मुझे अभी जाना है। अरे ले लिए तुम्हारे माँ बाप से पैसे, क्या हो गया, सड़क पे आ गए क्या वो? जब मैंने तुम्हें साफ साफ मना कर दिया था कि मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती, फिर उनके सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत थी? हाथ हाथ ही फैलाए मैंने, खुद दिए उन्होंने। और पति है तुम्हारे, तुम्हारे पैसों पे हमारा भी उतना ही हक है। नहीं है, मेरे पैसों पे पहला हक सिर्फ मेरे मम्मी पापा का है। हाँ तो उन्होंने हक समझ के दिया, ठीक है, दिमाग न खराब करो वैसी बतला हुआ। अब समझे तुमने शादी मुझसे नहीं मेरी नौकरी से की है, तभी मैं सोचूं तुम अचानक से शादी के लिए तैयार कैसे हो गए। मैंने शादी नौकरी के लिए करी है, हैं? चलो पति कमाए तो पत्नी का उसके पैसों पर पूरा हक है, और पत्नी कमाए तो सिर्फ उसका खुद का। वाह, अगर नहीं कमाती तब क्या करते? जो लोगों का कर्जा चुकाना बाकी है ना, वो पैसे मांगने में मम्मी पापा के पास चले जाना, क्योंकि शर्म तो आती नहीं तुम्हें मांगने में। मत खराब कर मुझको, पति हूँ तुम्हारा, याद रखो। ये दिख रहा है कैसे पति हो? दिख रहा है, पता कैसा पति? पता नहीं चाहिए ऐसा पति, जा पापा के जा, जा। चलो चलो खड़ी हो यहाँ पे, चलो। चिटू, चिटू कहाँ है तू? अरे तेरी लुगाई घर छोड़कर जा रही है, हैं? ऐसा क्या कह दिया तूने उसे? अरे दोनों समझदार हैं, आपस में निपट लेंगे, तुम क्यों बिचौलिया बनी हुई हो? मैं समझा रही हूँ ना, आप चुप रहिए। अरे उसे अपनी नौकरी का घमंड आ गया और कुछ नहीं, विश्वास है नाम पे, ज्यादा नवाबी बन रही है, अरे जाने दे। ए चिटू, अम्मा हम बहुत समझा लिए, अब मम्मी नहीं मान ली। देखो छोटी सी बात है ना, आपस में निपटा लो, भारत घर नहीं छोड़ती है, वो घर छोड़ती हुई अच्छी लगती है बेटा। माफ कीजिएगा बहू, सुनो बेटा, हमारी बात सुनो बेटा, बहू समझाओ ना आप इसे। अरे तुम ही समझा लो बहू। राली बेस्टी, आ गई, आ जा हाथ मुंह धो ले। ये सब क्या है? मेहमान आते हैं बेटा तो मेहमान नवाजी तो करनी पड़ती है। कोई नहीं, तू रह ले एक दो दिन, दिमाग ठंडा कर ले, फिर फोन करके बुला लेंगे टीटू जी को। बुला लेंगे मतलब? तूने अच्छे नहीं किया बेटा, गुस्से में लिए हुए फैसले अधिकतर अच्छे नहीं होते, नुकसानदायक ज्यादा होते। अरे दामाद जी थे, जरूरत थी ले गए। और वैसे भी बेटा तूने कौन सा शादी से पहले उनसे कहा था कि शादी के बाद तू उनके अलावा हमारा भी ख्याल रखेगी? क्यों, परमिशन लेनी थी, और शादी सिर्फ मैंने ही की है क्या? कोई लड़का तो कभी अपनी बीवी को नहीं बताता कि शादी के बाद वो अपने माँ बाप का ख्याल रखेगा। तेरे बेतुके सवालों का जवाब नहीं है हमारे पास, बस इतना समझ ले कि तू जो ये सब कर रही है ना, इसमें छोटे हम लोग ही हो रहे हैं। देखिए हमारी बहू को जब आना होगा ना आ जाएगी। हमें इस बात की खुशी है कि हमने अपने बच्चों को कवारा नहीं छोड़ा हुआ है ना। नाड़ा खोलते ना तो घर आकर खोलते हैं, तुम्हारे सोनू की तरह नाड़ा खोलने की जगह नहीं ढूंढते रहते हैं। एक तो हालचाल पूछना आजकल गुनाह हो गया है। तो कहाँ पूछ रही हमारा हालचाल आपने? हमारी बहू ऐसी आएगी जो मेरी सेवा करेगी, ऐसी नहीं जो चार दिन में भाग जाए। अरे चुप करो, चुप करो, खुद की ना बहू संभलती है ना ही तो बेटा संभलता है। अपना घर संभालो, समझ गई? क्या बातें बना रही हो बड़ी बड़ी? भाई हमने सारे पैसे लगा दिए थे, 150 लोग हैं हमारे अंडर, आज 4-4.5 लाख के जगह जाना चाहिए। टीटू हाँ बेटा, ठीक है बताते हैं। बेटा व्यापार तूने अच्छा खासा जमा लिया है, ये परिवार भी तूने जो आधा अधूरा कर रखा है इसको भी ठीक कर ले बेटा, बाहर उल्टी सीधी बातें हो रही है। अरे आप परेशान मत हो, जिस दिन नौकरी का घमंड उतरेगा ना उसका, खुद वापस आ जाएगी घर पे। राजेश पंखे की स्पीड कम ज्यादा नहीं होती,
एक नया रेगुलेटर ले आओ। लो कर लो अपनी मर्जी से कम ज्यादा। अरे मुंह क्या देख रहे हो, ले। वो 10 मिनट और सबके अकाउंट में बरसेगी लक्ष्मी। ए भैया, तो भैया हमने सारे सैंडविच रखवा दिए हैं, बस अब हमारा भी हिसाब कर दो, हमें आगे भी जाना है। हाँ तो अकाउंट डिटेल भेज दो, सबसे पहले तुम्हारे अकाउंट में डालेंगे। और सुनो एक्स्ट्रा देंगे, मना मत करना, इनाम है। अरे अरे टीटू भैया हमारा अकाउंट कहाँ है? आप तो एक काम करो, हमें नकद ही दे दो। भैया तो हमारे कोल्ड ड्रिंक है। हाँ रुको थोड़ी देर, तुम भी रुको, 11:30 तक हो जाएगा सबका। ठीक है ठीक है। टीटू भैया अरे ये क्या बनवा लिया, इससे अच्छा तो पूरी सब्जी बनवा लेते। देखना टमाटर अंदर डालता हूँ तो खीरा बाहर आ रहा है, और खीरा अंदर डाल रहा हूँ तो आलू बाहर आ रहा है। कोई अंदर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बड़ी कंपनी में सैंडविच खिलाते हैं, झंडू के झंडू में पूरी सब्जी के बाहर मत आना। और सुनील बाबू जी, आज की मीटिंग के लिए कितने लोग आ रहे हैं? टीटू भैया हमने तो हमारे 5 आदमी ज्वाइन करा लिए। आदमी देखो क्या बात, 3 ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए 11 बजे आ जाएगा सबके अकाउंट में पैसा है, ढाका साहब भी आ जाएंगे, 1 बजे सबके साथ मीटिंग शुरू करते हैं। टीटू भैया ढोल लेके आ गए, टीटू भैया 11 बजे ढोल बजाना शुरू कर दे। बहुत बढ़िया, अब इंतजार नहीं हो पा रहा टीटू भैया। इंतजार तो हमसे भी नहीं हो रहा है, पर क्या करें, करना पड़ेगा। 11 बजे चेक करना सबके पैसे आ जाएंगे। ठीक है अच्छा हम अभी आते हैं। अब कहाँ जा रहे हो टीटू भैया? ये धार भी ना मारे। हाँ जरूरी है भैया, लगता है पैसे आ गए। अरे पहले आना है, जिन्हें खातों को धो तो लो भैया। अरे टीटू भाई क्या हो, 11 बजे पैसा नहीं आया अभी तक। अरे आपने बोला था पैसा आ जाएगा, अभी तक नहीं आया। भैया गारंटी कह रहे ना आएगा, तो नाश्ता करो, क्योंकि नाश्ता करो। चलो 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 सैंडविच खाओ, सैंडविच खाओ। टीटू भैया 11:30 बज गए, अभी तक अकाउंट में पैसे नहीं आए। हाँ एक काम करते हैं, हम खुद बैंक में चेक करके आते हैं। आप सबका अकाउंट हमारी बैंक में है क्या? अगर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, हमारा पैसा भी आएगा। अच्छा कुछ लोग आप रुकिए, कुछ चलिए मेरे साथ, चलिए जल्दी से बता दो कितने अकाउंट में, बहुत एक्साइटमेंट है और टेंशन भी। एक मिनट, 5 5 5 पाँच रुपए है भाई साहब, 5 रुपए अकाउंट में है आपके। चेक कर ले यार भाई साहब, थोड़ा तमीज से बात। तमीज से चेक करना है? अजीब बदतमीज इंसान हो। अरे बहुत बाहर यार, अरे भैया उनके ऑफिस जाना पड़ेगा, हम होके आते हैं वहाँ पे। जब तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आ जाओ ना, तुझको जाने नहीं देंगे हम। क्या जाने नहीं दोगे? शांत 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 टीटू भैया, हम होके आते हैं उनके ऑफिस, आप यहीं रुकिए। हाँ मिले तो फोन करने को बोलना। वो और जीतू भी फोन नहीं उठा रहा हमारा, उसके बोलो फोन करने को। सोचा था इस बार खोटा सिक्का चल गया, लेकिन खोटा तो खोटा ही होता है। अब वो चुड़ैल के जने कंपनी वालों ने ही धोखा दे दिया, तो हमारा बेटा इसमें क्या करेगा, उसका क्या दोष? महाभारत में धृतराष्ट्र के जब एक एक करके सारे बेटे मर गए, तब उसे अपनी गलती का पता चला। ममता से दूर जाके अपनी आंखें खोल के देखो, इस हरामखोर ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। हरामखोर मत बोलिए हमारे बेटे को, समझ गए? हरामखोर को हरामखोर ना कहूं तो क्या कहूं? चोरी चकारी तो नहीं कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है ना, और आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने अपनी जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया। मुंह मत खुलवाइए आप हमारा। क्या गलत किया मैंने? अपने बाप की बेइज्जती करवाई मैंने? घर में कोई डंडे लेके मांगने आया मुझसे? क्या किया बताओ? अपना भूल गया, भूल गया अपना? जब इस घर में मुझे ब्याह कर लाए थे ना आप, आपका भी कोई फिक्स काम नहीं था। कभी वो किराने की दुकान खोल ली है, वो नहीं चली तो फिर चाट की दुकान खोल ली है। बाबूजी थक गए थे आपको बोल बोल के, अरे नौकरी कर लो नौकरी कर लो, पर नहीं, आपको भी तो अपना बिजनेस ही करना था ना। ले देखे बाबूजी की फोटो फ्रेम की दुकान बची थी, बस उसी के सहारे हमारी जिंदगी चली है। बात करते हैं, जब कीड़ा आम में लगता है ना तो गुठली में भी आ ही जाता है। और ये जो इतना सुनाते रहते हैं ना मेरे बेटे को, हक नहीं है आपका, हक नहीं है आपका।
क्या बिना काम की बातें लेके बैठ गए? बंद करो ये सब। ला बहू चाय ला के दे दे कब। तो और एक बात बोलूं, अनाज के दाने से वो अकल नहीं आती जो ठोकर खाने से आती है। हाँ बेटा, पापा डिलीवरी हो गई है। क्या रवि, क्या हुआ? अनीता की डिलीवरी हो गई है, लड़की हुई है। अच्छा 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 बेटा। ये सुनो, वो रवि की लड़की हुई है। चलो तैयार हो जाओ, चलना। ये बिजली विभाग में काम करते करते ना तेरा दिमाग ही फ्यूज हो गया है। इसे तो कर रही है ना मौसमी, ये सही नहीं है। सर्दी जुकाम होता है तो उसका इलाज कराते हैं यार, दवाई लेते हैं, नाक काट के नहीं फेंक देते हैं। छोटी मोटी बात हर रिश्ते में होती है यार, इसका ये मतलब नहीं रिश्ता तोड़ने का ही सोच लिया अपन। शीला मेरी प्रायोरिटीज है। घंटा प्रायोरिटीज यार, इतनी प्रायोरिटीज तो शादी की थी फिर तूने? बैठ रही थी घर पे लाइफ टाइम और अखिल इंजॉय करती अपनी प्रायोरिटीज। मौसमी हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है शादी के बाद, फिर चाहे वो महलों से आई रानी हो या झोंपों से नौकर। तू नहीं समझेगी मौसमी, समाज में रहने के लिए समाज का चश्मा पहनना पड़ता है। एक लड़की होकर हम श्रवण कुमार नहीं बन सकते हैं। नहीं बन सकते। ना बोलो। टीटू मुझे तुमसे मिलना है अभी। क्या है बोलो। क्या बोलूं टीटू, मौसमी इतने टाइम से तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा है। मैंने मना किया क्या उसे? वो जब चाहे घर आ सकती है, पर नौकरी के पैसों का घमंड कम होता बना। टीजू जब रिश्तों में दूरियां आती है ना तो चल जाता है, पर जब दरार आती है तो उसे भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरी जिंदगी पड़ी है टीटू लड़ने के लिए, इस समय तुम दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ क्या जरूरत है उसे, माँ बाप है ना उसके, उसके साथ। टीटू उसके माँ बाप तो है उसके साथ और जिंदगी भर रहेंगे, पर उसके होने वाले बच्चे के साथ अभी उसका बाप नहीं है। क्या मतलब? तुम बाप बनने वाले हो टीटू, पर अभी उसके होने वाले बच्चे के साथ उसका बाप नहीं है। जाओ उसके पास। और जाकर क्या बोला उसे? हाथ जोड़े और बोले घर वापस आ जाओ। शीना बाप बनने वाले हैं, इतनी बड़ी बात उसने हमसे छिपाई, तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। टीटू तू फिर से गलत समझ नहीं, रहे हो। शीना वो गलत कर रही है। गलत समझ रहे हो टीटू। टीटू जानती ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ यार। डोमिनोज के बर्गर पिज्जा से लेकर मंगललाल मिठाई वाले के मटका कुल्फी तक कभी कुछ ऐसी विषय जो मैंने नहीं पूरी की हो, बोल ना यार। यार जी तो बहुत हो गया, बताया ना तुझे एक बार, अब फीलिंग्स नहीं है मतलब नहीं है, अब दिमाग की दही मत कर प्लीज, बार बार फोन मत कर। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती कि पहले तेरे पास पैसा था, अब प्रियेश के पास पैसा है,
क्या छोड़ेगी मुझे? तू क्या छोड़ेगी? मैं तुझे छोड़ता हूँ, फोन रख। अरे दारू पियो बे। क्या हुआ बे? क्या इतना चिल्ला रहे थे अपने बेबी पर? सारी लड़कियां ना भाई एक जैसी होती हैं। जब तक तेरे जेब में पैसा है तब तक बाबू सोना, और जैसे पैसा निकल गया ना उसके बाद किसी और का होना। तेरी और मेरी किस्मत भगवान ने एक ही कलम से लिख दी क्या? हाँ, इसको तो वीडियो कॉल किए थे ना जब किस्मत लिख रहे थे। पैसों का नुकसान हुआ, मेरा भी पैसों का नुकसान हुआ। तेरी बंदी तुझे छोड़ के चली गई और मेरी बंदी। अबे सुनो, हेलो साला, जो तुम्हारी बंदी थी ना वो कागज का नोट थी बे। कल उसके जेब में, परसों उसके जेब में। और हमारी भाभी को ना उससे कंपेयर मत करो, उनका कोई और रीजन था बे। कद्दू कुछ और रीजन था भाई, कद्दू। इसकी वाली ने भी इसको पैसों के लिए छोड़ा ना, नहीं तो पति था उसका, पैसे यूज कर लिए तो क्या हो गया? अबे भाभी जी के बाप को जानते हो, बहुत बड़ा लालची है बे वो। तो मौसमी ने क्यों की शादी? बोल भाई, सब एक जैसे हैं, समझ रहा है? कुछ और चक्कर चल रहा है, बोल रहा हूँ मैं इसको ना, धोखा मिला है बड़ा वाला मेरी तरफ। साला खप्पल उठा के ना तुम्हारा मुंह सुझा देंगे हम, समझे? साला भाभी के बारे में ना आज के बाद दोबारा अगर कुछ ऐसा बोला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। साला खुद को ना वृद्ध आश्रम ना जाना पड़े ना, इसलिए मौसमी भाभी का दिमाग घुमा रखा है उसके माँ बाप ने। ये तो बोल ना, तू बोल किसका माँ बाप अपनी बेटी की कमाई खाता है बे? मौसमी ने तो अपने दिमाग में गोबर लपेटा हुआ है ना, जो उसे इतना भी नहीं पता कि शादी के बाद पति ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है या माँ बाप। अरे बंद करोगे तुम लोग बकवास। बाप बनने वाले हो टीटू, पर अभी उसके होने वाले बच्चे के साथ उसका बाप नहीं। साला खुद को ना वृद्ध आश्रम ना जाना पड़ेगा, इसलिए मौसमी भाभी का दिमाग घुमा रखा है उसके माँ बाप ने। लग गया तुम्हें, जो पैदा हो जाएगा नहीं जाना अपना बच्चा। बधाई रामानंद के घरे आज, बधाई रामानंद के घरे आए, नाए आए धोए आए बांधे चला, जजमान घर ढोलक बाजे पापी घर अल्लाह। बधाई रामानंद के घरे आज, बधाई रामानंद के घरे। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। घर में बच्चे की किलकारी गूंजी है, लाओ भाई बच्चे का शगुन लाओ। रवि ये क्या 101? अरे दिवाली का नेक भी मैं 1101 लेती हूँ, इससे क्या होगा 101 से? क्यों री? आरी, अरे शुक्ला साहब नाम कितना बड़ा है आपका है, आज तो खुशी का दिन है, खुशी के मौके पे तो आज 11,101 रुपया देना चाहिए। 11,000? देखो अगर लड़का हुआ होता ना तो 11,000 दे देते, अभी लड़की हुई है अब जो दिया रख लीजिए। अरे क्या लड़का क्या लड़की, सब भगवान की देन है। अरे जो दे दिया ना वो रखिए और जाइए यहाँ से, चलिए। क्या दिया है? एक से वाले नहीं, आज तो पूरा लेके जाएंगे। दे दिया आपसे, हमारे पास था इतना दे दिया, आप जाइए यहाँ से। वाह चलो री चलो, इतनी कंजूसी ठीक नहीं है शुक्ला जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो री। रवि ये क्या किया तूने, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों के साथ, बद्दुआ लगती है पता है। हम मोनू को टाइम में दिए तो थे 11,000 रुपए, उसमें कौन सी दुआ लग गई, लड़की तो ही फिर से।
क्या लड़की हो गई, लड़की लगा रखा तुमने? हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया क्या तुम्हारे सर पे जो लड़की हो गई तो? और एक लड़की तो थी ना पहले, और इस बार हमको लड़का चाहिए था। और तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे लिए तो लड़की मायने नहीं रखती है, लड़का ही मायने रखता है बस। तुम ना देखो फालतू में बाल की खाल मत निकालो, हम ना मोनू से बहुत प्यार करते हैं। छोटी से लगाव तो है नहीं लग रहा है? हाँ हाँ, हम तो छोटे के दुश्मन है ना, हमें तो कोई लगाव ही नहीं किसी से। बोल तो रहे हो, हरकतें दुश्मन वाली हैं तुम्हारी। जिसकी आंख में उंगली लगती है ना उसे दर्द महसूस होता है, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो समझ में आएगा। अरे ये तो कल को बड़े होकर चले जाएंगे ना अपने ससुराल, बुढ़ापे में हमारा क्या होगा? यहाँ तो किसी से एक गिलास पानी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं सोचूंगा अपने बारे में। और हाँ, मुझे ना अपनी बच्चियों को मौसमी की तरह नहीं बनाना है कि ससुराल को छोड़कर अपने जाके मायके में पड़े रहे और नाक कटवाती रहे। क्या नाक कटवा दी है? क्या नाक कटवा दी मौसमी ने? हमें ना देखो तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। नहीं नहीं बोलो ना, क्या नाक कटवा दी उसने? तुमसे पैसा लिया क्या उसने? अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना, इज्जत भी तो कोई चीज होती है। पूरी दुनिया में ना बेइज्जती करवा रखी है हमारी, और तुम्हारी वजह से ना हम आज तक पनप नहीं पाए। क्या किया हमने? बस हमारा मुंह मत खोलो। बोलो ना क्या किया हमने, क्या पनप नहीं पा रहे हो तुम? दुकान पे ना पिताजी अकेले मेहनत नहीं करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी कमाते हैं, पर तुम्हारे चक्कर में ना सब कुछ, सारी कमाई बर्बाद हो जाती है। रवि तू दुकान पे जा, पापा अकेले हैं दुकान पे, जाओ। है कोई जवाब? अरे जाओ। अरे ना तो लूमा। जीतू वही अट्टा की पूजा है घर पे आज, जोड़े में होती है पूजा, कुछ भी करके बहू को ले आज घर। जीतू थोड़ी देर के लिए सही बेटा। मुझे नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। अरे बात तो सुनो यार एक बार। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, बोल तो दिया ना, पैदा होते ही ले जाना अपना बच्चा। मौसमी अरे भूल जाओ यार, चलो घर चलो आज। टेंशन मत लो, ध्यान रखूंगी मैं बच्चे का। बात तो सुनो एक बार। हमें समझ में आ रहा है कि तुम कितनी फंसी हुई हो, अब सब ठीक हो जाएगा है? घर चलो। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक के लिए, उसके बाद तो मेरी इंसल्ट करना, मेरे मम्मी पापा की भी इंसल्ट करना, फिर उनसे पैसे मांगने पहुंच जाना। छोटी उम्मीदें मत पालो टीटू, विश्वास खो चुके हो तुम मेरा। जाओ यहाँ से। क्या दाव लगा रखा है तुमने? इतना मियाँ कर दिया हमने, इतना गुस्सा हो रही हो? तुमने माँ बाप के लिए जो करना है वो करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। सोचो टीटू, जो बच्चा भी पैदा भी नहीं हो उस पर तुम इतना हक जमा रहे हो। मेरे माँ बाप ने मुझे 25 साल पाला है, उनका मुझ पर कोई हक नहीं होगा। तुम नहीं समझ सकते, इसलिए जाओ यहां से। हम आपके सामने खड़े हैं ना, तू क्या बोल रहे हैं? अबे मारेंगे नहीं तुझे, अब सीधा जेल भेजेंगे। पैसे खर्चे का बता। सच में मत, पैसा नहीं है। ठीक है, जैसा पैसा आएगा आप सबका पैसा हम चुका देंगे पक्का। पैसा
हम सच में कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, जैसे ही आएगा आप सबका पैसा दे देंगे पक्का। टीटू हमें हमारा पैसा लौटा देना, हमें तेरे पिताजी की दुकान हम जानते हैं। हेलो हेलो हाँ जी टीटू कैटर्स भाई, एक ऑर्डर था कैटरिंग का, आप लेंगे क्या? हाँ जी बताइए। भैया लगता है कोई खर्च हो गया यहाँ पे। पीछे कीमा का हलवा भैया उधर देखिए, ये तो यहाँ हलवाई गिरी कर रहा है। जिसे हम घोड़ा समझते थे वो तो गधा निकला। भैया मैं ना इसकी एक फोटो खींच लेता हूँ, पता तो चले साला कि टेंट के अंदर की सच्चाई क्या है। गधे की तरह काम करता है, बहुत लाइट बाजी दिखाता है ना ये बार, अब पता चलेगा इसको। हेलो हाँ जी, बस एक मिनट में आ रहे हैं जी। रेट तो सही है आपके, पांडे जी के वहां बारात में आप लोग का केटरर्स का खाना खाया था, पसंद आया हमें तो सोचा क्यों ना आप ही का ऑर्डर दिया जाए। पहले ये बताइए कि तेल कौन सा यूज करते हैं आप? सर बढ़िया वाला यूज करते हैं। बढ़िया कौन सा, कहीं पाम ऑयल तो यूज नहीं करते? नहीं नहीं सर, हम तो एकदम टॉप क्लास का बढ़िया वाला रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, आप बेफिक्र रहिए। भाई ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले एक फंक्शन में गए थे तो जब तक खाना खुला तब तक तो दाल ही खराब हो गई। अच्छा खाना खराब ना हो उसके लिए क्या करते हैं? सर हम तो एकदम बढ़िया वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं। सॉरी सर ये ऑर्डर हम नहीं ले पाएंगे। क्या अरे क्या हुआ भैया, क्यों नहीं ले पाओगे भैया? क्या हुआ? सुन ये आटा तो 5 किलो ही लाया है बस। हाँ माँ वो पिंकी ने इतना ही लाने को कहा था। अच्छा सुन 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 ये सीढ़ी ठीक करवा देना ना, तो क्या की परछत्ते की सफाई नहीं हो पा रही है बेटा, कई महीने से ऐसी पड़ी हुई है। मैं कुछ काम अपने साहबजादे से भी बोल दिया करूं, सब हम ही करेंगे। बेटा सीधा चौथी सीढ़ी पे पांव धरोगे तो हमेशा गिरोगे। देखो हमने तो तुम्हें पहले भी मना नहीं किया था, ये हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, लग जाओ अब काम पे। आपका पैसा आपका प्यार बेटा कर देगा तुझको बेकार, तेरी जेबों की खनखन ही राजा, तेरे फ्यूचर के खुलासे देखेगी ये जो दुनिया है।
जालिम है इतनी टांग खींच के तेरे तमाशे देखेगी तो मेहनत करके तू अपना सम्मान बचा ले कमा के खा ले कमा के खा ले कमा के खा ले अंकल जी टीटू बहुत बढ़िया काम कर रहा है चलो अच्छा है ना बाबू जी आपको दिक्कत ना हो तो बैठ के पी सकता हूँ मेरी तरफ से तू खाओ मुझे कोई परेशानी नहीं है तेरे कंधों पे लाद तेरे सपने मन की बगिया में इस सेब में थोड़ी हींग ऐड कर ले तो मजा ही आ जाएगा ट्राई कर लूं क्या हाँ हाँ कर लो हाँ कर लो तो दिल से अपनी एक अलग पहचान बना ले कमा के खा ले टीटू नाश्ता करके जाना बेटा बेसन का चिल्ला बना रही हूँ नहीं मां लेट जाऊंगा हाँ टीटू ये 3800 रुपए है इस हफ्ते का ओवर टाइम ठीक है हाँ सर साइन कर देना ये किस लिए टीटू जी नौकरी पे लग गए रख लीजिए हमारी मौसमी तो पगली है अब कहाँ उसकी बातों में आ गए चलिए वापस रखिए उसकी बातों में नहीं आए खुद की गलतियां समझ में आने लगी हमें बस उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं प्लीज रख लीजिए मौसमी की हरकतों से पहले ही बहुत शर्मिंदा है बेटा बहुत शर्मिंदा मत करो रखो से रख शर्मिंदा शर्मिंदा नहीं प्राउड होना चाहिए आप लोगों को जिसे शर्मिंदा होना चाहिए वो शर्मिंदा है बेटा बोला है तो उसे सुधारने का मौका भी दीजिए प्लीज 3000 है बाकी भी धीरे धीरे करके वापस कर दूंगा मना मत करिएगा मना समझ जाऊंगा बेटा से बोला है माना नहीं है ये कुछ खा लीजिए चाय पी लीजिए आप ये खर्चे पाने के लिए रख लीजिए नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए अरे रख लीजिए बताइए नहीं नहीं रखिए रखिए आप अरे देखो ये तेरे लिए मेरे लिए सुंदर है और तुम दादी बनने वाली हो और आप दादा पिताजी लिए और इसने रखे अभी जरूरत नहीं है आप रखे अरे अभी नहीं जरूरत बाद में जरूरत पड़ेगी रख लीजिए आप खर्चे पानी नहीं आप रखिए ना अभी नहीं चाहिए जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा रखिए आप भी नंबर ले सकते हैं पसंद से अगर जरूरत पड़े तो ले लेना जी अरे आज दवाई नहीं खाई तूने मुंह कैसा उतर रहा है पता है आज टीटू जी आए थे नौकरी लग गई है उनकी तेरे पापा को पैसे भी दे गए बचे हुए पैसे भी जल्दी लौटा देंगे
क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ बोलेगी? भूख लग रही होगी, खाना लेकर आते हैं। सब ढोंग कर रहा है वो। ये सारा नाटक ना वो इस बच्चे के लिए कर रहा है मम्मी, वरना प्रेग्नेंट नहीं थी तब तो उसका एक फोन भी नहीं आया। पता नहीं क्यों मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाकर भेजा है, वो गलतियां इंसान से ही होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे रिश्ते ही खत्म कर दो, तोड़ दो। एक रिश्ते को बनाने के लिए सालों की मेहनत लग जाती है बेटा, और तोड़ने का क्या है, एक सेकंड में तोड़ दो। और गलत वो नहीं होता जो गलती करे, गलत वो होता है जो हमेशा के लिए किसी को गलत समझ ले। अच्छा आप यही चाहते हो ना मैं वापस चली जाऊं? ठीक है मैं चली जाती हूँ। अरे जबरदस्ती तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं भेजता तुझे, तो घर पर बोझ थोड़ी है बेटा। बेटा हर माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे खुश रहे, उनकी गृहस्थी अच्छी गुजरे, इसलिए बार बार कहते रहते हैं तो जब तक चाहे तब तक रहे, आप नहीं भूलेंगे। चार दिन तक तुम्हारे हींग वाले सेब का ही प्रोडक्शन करना है, बहुत डिमांड आ रही है मार्केट से। हेलो बेटा, तुम एनके हॉस्पिटल में आ जाओगे? क्या हुआ माँ? जल्दी से आ जाओ। हाँ मैं आया मैं। कम से बुलाया डॉक्टर साहब, ये हमारे दामाद हैं। अच्छा डॉक्टर, देखिए प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेज में काफी सारे रीजंस के वजह से ऐसा होता रहता है। क्या क्या? मौसमी का मिसकैरेज हुआ है। हुआ कैसे? मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स में कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, बट All she need is your support and love, okay? मौसमी तुम तो बिजली ऑफिस में काम करती हो ना, एक बात बताना, अगर एक आदमी के दिमाग की बत्ती गुल हो जाए तो उस दिमाग की बत्ती को वापस लाने के लिए बिल कहाँ जमा करना पड़ता है?
सॉरी यार, माफ कर दो। गलती तो मेरी भी है, मैं क्या चाहती हूँ मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं और बस गलत समझ लिया तुम्हें। गलती तो तुम्हारी ही है, एक बार कान पकड़ के समझाया होता तो शायद समझ भी जाता। पर जिस आदमी ने कभी अपने माँ बाप के लिए कुछ ना किया हो सिवाय उन्हें परेशान करने के, वो समझ भी कैसे सकता है। सॉरी। तो अपने ही खड़े इन पलकों की कोर से छुप के झांक रहा है एक सवेरा, अब ना होंगे दो घर अपने, जो घर तेरा वो घर मेरा। अरे बेटा, दामाद पैर नहीं छूते। आ गए तुम, बगैर उठना बनाना दोनों का है। देखो हम सालों में नहीं कर पाए, बहू ने चुटकी में कर दिया। पापा जी, लव मैरिज ने ना टीटू भैया को बिल्कुल ही बदल दिया। आज बहू ही नहीं, ये टीटू भी वापस आया है। हाँ जीतू। हाँ भाई, तेरे अकाउंट में कोई पैसे आए क्या? पैसे नहीं तो क्यों? अच्छा ठीक है। हेलो। हेलो मिस्टर टीटू शुक्ला जी। या दिस इज अरबाज फ्रॉम पैराविजन। आपका प्रॉफिट हमने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। हाँ हाँ जी, मिला हमें। बाकी सबका कब आएगा? इसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है मिस्टर टीटू। हमने अपना नया ऑफिस देहरादून में शिफ्ट कर दिया है और कंपनी चाहती है कि आप वहाँ के ब्रांच हेड बने विद मिनिमम 2 लाख रुपीस ऑफ सैलरी। और इस बार हम कुछ नई स्कीम्स और कुछ नए प्रॉफिट्स भी लेकर आए हैं। आप सुन रहे हैं मिस्टर टीटू? हेलो हेलो। बहुत ही अच्छा किया भैया मना करके। हम तो कह रहे कि फोन पे ना कंटाप मारते साले को। एक काम करते भैया, बस में ना भर के सबको ले चलते, सब ना मार मार के अपना हिसाब चुकता कर लेंगे उनसे। अरे नहीं कुकू, फ्रॉड ये थे, वो वहाँ नहीं मिलेंगे, उनकी जगह कोई और बैठा होगा। चोर एक मोहल्ले में चोरी करके हमेशा दूसरा मोहल्ला ढूंढता है। लेकिन हमने डिसाइड कर लिया कुकू, जो हमारे अकाउंट में 3.5 लाख रुपए आए ना, वो सब में बराबर बांट देंगे। अरे बहुत सही भैया, एकदम ही पीसफुल विचार किए हो आप। लेकिन कुकू एक बात समझ में आ गई यार, ये जो 2 मिनट वाले नूडल होते हैं ना, वो भूख भी 2 मिनट की मिटाते हैं। पर अगर जीवन में सफलता की भूख मिटानी है तो ये 2 मिनट वाले नूडल नहीं, पहली सीढ़ी से एक एक करके आगे बढ़ना होगा। समझा कि नहीं समझा?
सजा ले तेरा फनी तो तेरा साथी है छूकर मिट्टी को सोना उगा ले तो भी इसे अपनी एक अलग पहचान बना ले कम्मा के खाले अरे अरे भाई।